हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जेंट्स स्वेटर के लिए जो बेस्ट बॉर्डर होती है। ये देखिए, ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर को सुई से कैसे उतारा जाए। ये देखिए, आर्म होल की बॉर्डर है और आर्म होल की बॉर्डर को मैंने सुई से उतारा है। देखिए, ये इसका जो सुई से उतारने पे जो इसका एजिंग है वो ब्लंट होता है। तो चलिए इस बॉर्डर को और इसे सुई से कैसे उतारा जाए सीख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने 20 फंदों में बॉर्डर बना के रखी हुई है और इसे आपको कैसे बनाना है ये मैं बताती हूँ। इसमें आपको एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। देखिए, पहला फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा ऐसे बुनते हैं, तो ऐसे नहीं बुनना है हमें। धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर इसे सीधा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे, उल्टे फंदे में ऐसे डालेंगे और धागा इस तरह से डाल के ऐसे निकालेंगे, फिर ऊन पीछे, सीधा फंदा इस तरह से, उल्टा फंदा इस तरह से, फिर सीधा इस तरह से और उल्टा इस तरह से। इस तरह जो बॉर्डर बनती है वो फैलने पे बीच में से उसके दो भाग नहीं होते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगती है। आप देख सकते हैं, बहुत ही ये खूबसूरत लगती है। चैन स्वेटर के लिए ये बेस्ट बॉर्डर है। उल्टे में दोनों साइड से ही सीधे पे इस तरह से बुनेंगे, ये उल्टा है, ये सीधे पे हम इस तरह से बुनेंगे और जब उल्टा बुनेंगे ऊन आगे करके तो इससे इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए, ये सीधा फंदा है, फिर उन आगे, ये उल्टा, सीधा और ये लास्ट वाला उल्टा। अब ये तो हमने बॉर्डर बनाया सीख लिया कि सीधे फंदे को किस तरह से बनाना है और उल्टे फंदे को किस तरह से। दोनों साइड से आपको सीधे फंदे को फंदा फेर के बुनना है और उल्टे फंदे को भी फंदा फेर के बुनना है। अब आप सुई से उतारना है। मान लीजिए आपने ये आर्म होल की बॉर्डर बना ली, तो जब हम राइट साइड से आएंगे, इस बॉर्डर की शुरुआत जो है, इस बॉर्डर एंडिंग की, वो राइट साइड से होती है। जब हम राइट साइड पे आएंगे तो ये देखिए, ये सीधा फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं नॉर्मली, इस तरह से सीधा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा जो है इसे उतार लेंगे, फिर उन पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ऊन आगे करेंगे, उल्टा वाला फंदा उतार लेंगे, ऊन पीछे, यानी कि सीधे फंदे को हम नॉर्मल बुनेंगे और उल्टे फंदे को हम ऐसे उतारते जाएंगे। देखिए, ये उल्टा है, इस तरह से उतार लेंगे, सीधा बुन लिया, ऊन आगे, उल्टा उतार लिया, ऊन पीछे, सीधा बुन लिया, ऊन आगे, उल्टा उतार लिया, ऊन पीछे, ऐसे ही ये रो कंप्लीट करेंगे हम। लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा है तो ऊन आगे करके इसे हम उतार लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से आए हैं, यहाँ भी हमें वही प्रोसेस करनी है। देखिए, सीधा फंदा दिख रहा है, जो फंदा आपको अपनी साइड से सीधा दिखेगा उसे आपको सीधा बुन लेना है। देखिए, इसे हम सीधा बुन लेंगे, ऊन आगे, ये उल्टा है, इसे हम उतार लेंगे,
ऊन पीछे, सीधे फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर ऊन आगे उल्टा उतार लेंगे, पीछे सीधा आपको बना लेना है, फिर उल्टा उतार लेना है, सीधा बुनेंगे उल्टा उतारेंगे, सीधा बुनेंगे और उल्टा उतारेंगे। ये उल्टा फंदा था, उतार लिया ऊन पीछे, जो फंदा सीधा है ऊन आगे, लास्ट वाला उल्टा है, इसे उतार लेंगे। अब हम थर्ड रो पर आ गए हैं और ये हमारी राइट साइड है, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी रॉन्ग साइड थी और फिर हम राइट साइड पर आ गए हैं। सीधा फंदा ऐसे बुन लेंगे, ऊन आगे करेंगे, उल्टा फंदा उतार लेंगे, ऊन पीछे, सीधा फंदा बुन लेंगे, ऊन आगे, उल्टा वाला फंदा उतार लेंगे, देखिए उल्टा फंदा ऐसे उतार लेंगे, ऊन पीछे, फिर सीधा बुनेंगे, ऊन आगे, उल्टा उतारेंगे, ऊन पीछे, सीधा बुना, ऊन उतारा, फिर सीधा बुना, देखिए यानी कि जो हमने फर्स्ट रो बुनी थी वहीं से हम उसी तरह से हम इसे बुन लेंगे। ये लास्ट वाला उल्टा है तो ऊन आगे करके हम इसे उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं। उल्टा फंदा चाहे लास्ट का हो चाहे सेंटर का, आपको उतार लेना है, उसे बुनना नहीं है। अभी हमने तीन रोज बनाई है, एक राइट साइड से, एक रॉन्ग साइड से और फिर राइट साइड से। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप फंदे उतारना शुरू करिएगा तो इसकी स्टार्टिंग राइट साइड से कीजिएगा। जैसे ये देखिए, ये राइट साइड है तो यहाँ से हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैंने राइट साइड से सीधा बुना है उल्टा उतारा है, सीधा बुना है उल्टा उतारा है, यानी कि जो हम फंदे उतारेंगे वो हमारा रॉन्ग साइड पर आएगा। यहाँ पर हम सुई से फंदे उतारेंगे। अब सुई से फंदे उतारने के लिए देखिए आपके जितने फंदे हैं उसका अनुमान लगा लीजिए कि उसको बुनने में आपको कितना ऊन लगेगा। तो मान लीजिए 20 फंदे हैं तो हम इतना ऊन ले लेंगे जिससे ये 20 फंदे आराम से बुन जाएँ, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो हम यहाँ पर इतना ऊन ले लेते हैं और इसे तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद इसे में हमने सुई डाल दी है, ये देखिए सुई, देखिए इस तरह की आती है सुई, ब्लंट सुई जो कि स्वेटर सिलने के लिए या उतारने के लिए आती है। अगर आपके पास ये सुई नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल बड़ी सुई ले सकते हैं और उसके एंड वाला हिस्सा आप फंदों को उतारने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हम फंदे उतारेंगे, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें सीधा फंदा देखना है। दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक हम सुई को बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे, बाहर देखिए ये फंदा है, ये बॉर्डर है, ये बाहर का हिस्सा है और जब हम अंदर डालेंगे मतलब कि इसके अंदर की तरफ, और जब इधर से बाहर से डालेंगे तो यहाँ से सुई अंदर की तरफ डालेंगे, और एक होता है अंदर से बाहर की तरफ। ये देखिए ये है अंदर से बाहर की तरफ और ये है बाहर से अंदर की तरफ, दो चीज़ जान लीजिए, अंदर से बाहर की तरफ ये इस तरह से सुई होगी और बाहर से अंदर की तरफ मतलब ये इस तरह से। तो चलिए पहले फंदे से स्टार्ट करते हैं उतारना। सबसे पहले हम सुई को सीधे फंदे में डालेंगे, राइट साइड से देखिए, रॉन्ग साइड पे हम देखिए आपका सीधा फंदा कौन सा है, तो जो हमारा पहला फंदा है वो सीधा है तो इसमें हम सुई डालेंगे अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से, ये देखिए ये सुई डाल के इसे निकालेंगे और इस फंदे को हम ऐसे गिरा देंगे, लेकिन इसे आपको ऐसे अंगूठे से दबा रखना है। अब देखिए उल्टा फंदा है और हम उल्टे में भी बाहर से अंदर की तरफ सुई को ऐसे डालेंगे, देखिए मैंने बाहर से अंदर की तरफ डाला है, ये इस तरह से इसे डालेंगे। अभी जो पहला फंदा था इसमें हम बाहर से अंदर की तरफ, ये देखिए
इस तरह से, इस तरह डालेंगे, और जो हमारा सीधा फंदा है उसमें हम ऐसे, ये देखिए, इस तरह से हम इसे निकालेंगे। देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर वाला फंदा था उसमें हमने दो बार सुई इंसर्ट करके निकाल ली है। अब देखिए, ये हमारा उल्टा फंदा था, अब इसमें हम बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे, और ये जो हमारी तरफ फंदा है सीधा वाला, इसे गिरा लेंगे और इसे ऐसे अंगूठे से दबा लेंगे, और ये हमारा उल्टा फंदा है जो कि इधर से सीधा है, यानी कि सीधे को इस तरफ के सीधे को सीधे से मिलाना है और इस तरफ के सीधे को सीधे से। ये देखिए, इसमें हमने बाहर से सुई अंदर की तरफ डाली, और ये देखिए अंदर से बाहर की तरफ निकाली। पहली बार हम जो सुई इंसर्ट करेंगे किसी फंदे में तो वो अंदर से बाहर की तरफ करेंगे, और जब दूसरी बार करेंगे वो देखिए इस तरह से। अब हमें इस सीधे वाले में डालना है, इस तरह से। इसमें हम सुई बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे और अंदर से बाहर की तरफ बाहर निकालेंगे। और आपको बहुत टाइट नहीं करना है, इसे नॉर्मल रखना है। अब फिर हमें इसमें डालना है, बाहर से अंदर की तरफ पहली बार डालेंगे, और जब अगले फंदे में सुई डालेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से। मैं इसे खोल के एक बार और आपको बता देती हूँ। ये देखिए, फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम आपका सीधा फंदा जो होगा आपकी तरफ से, उसमें सुई डालनी है। पहली बार जो सुई हम डालेंगे वो अंदर से बाहर की तरफ डालेंगे। ये देखिए, पहली बार हम सुई अंदर से बाहर की तरफ ऐसे डालेंगे। अब इसे हम गिरा देंगे, लेकिन इसे पकड़े रहेंगे। अब हमको अगले फंदे में डालना है बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे। ये हमारा कॉर्नर का फंदा है। अब फिर हम इसमें, ये देखिए, बाहर से अंदर की तरफ और सीधा फंदा, ये देखिए, ये इस फंदे को छोड़ के इस फंदे में, ये देखिए, फिर से इस सीधे फंदे में हमने अंदर से बाहर से अंदर की तरफ सुई डाली, और अगले सीधे में अंदर से, ये देखिए, अंदर की साइड से हमने सुई बाहर की तरफ ऐसे निकाली। ये और एक फंदे में हमें सुई दो बार डालनी है। तो ये देखिए, इसमें हमने सुई डाली थी, ये उल्टा फंदा था, इसमें हम बाहर से अंदर की तरफ सुई डालेंगे, इस फंदे को गिरा देंगे, और इस सीधा वाला फंदा भी गिरा के आप अपने पास ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसमें हम, ये देखिए, अंदर से बाहर की तरफ सुई, अब ये जो सीधा फंदा है इसमें हमने एक बार सुई इंसर्ट कर रखी है। अब दूसरी बार हम फिर बाहर से अंदर की तरफ, फिर अगले सीधे फंदे में, ये देखिए, यहाँ इस तरफ सीधे को सीधे से ही अटैच करना है, और इस तरफ भी आपको सीधे से सीधे को ही अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ हम बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे और अगले फंदे में अंदर से बाहर की तरफ सुई ऐसे निकालेंगे। उनको थोड़ा टाइट कर लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब देखिए, ये जो पहला फंदा है इसमें हमने एक बार सुई डाली है, अब इसमें हम बाहर से अंदर की तरफ सुई डालेंगे, ये सीधा फंदा अपनी तरफ वाला गिरा लेंगे, और उल्टे फंदे में अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि पहली बार जब भी हम सुई इंसर्ट करेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ, और जब निकालेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ। अब देखिए, ये फंदा है, इसे थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे बाहर से अंदर की तरफ, और अगले सीधे फंदे में देखिए इस तरह से, फिर ये देखिए, ये हमारा उल्टा फंदा है। इसमें हम सुई बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे, सीधा वाला फंदा अपने पास ऐसे कर लेंगे, और अंदर से बाहर की तरफ से, ये देखिए हमारी एजिंग इस तरह से बन रही है। फिर हम ये जो फंदा,
राइट साइड से हमारी तरफ से सीधा है, उसमें हमने बाहर से अंदर की तरफ सुई इंसर्ट की और अगले सीधे में अंदर से बाहर की तरफ से सुई निकाल दी। एक फंदे में आपको सुई दो बार इंसर्ट करनी है। ये देखिए, इसमें हम एक बार सुई अंदर से बाहर की तरफ कर चुके हैं, अब हम बाहर से अंदर की तरफ की ये फंदा हम गिरा देंगे, सीधा वाला इसे पकड़ लेंगे और इस तरह से देखिए। ये देखिए, स्केजिंग ब्लंट होती जा रही है। फिर इस तरह से सुई में इंसर्ट करेंगे और इसे बाहर की तरफ निकालेंगे। सुई जब इंसर्ट करेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ, और जब हम निकालेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ। ये देखिए, सुई इंसर्ट करेंगे बाहर से अंदर की तरफ और बाहर निकालेंगे अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, और फिर इसे पकड़ लेंगे अंदर से बाहर की तरफ। ये फंदा है बाहर से अंदर की तरफ, फिर सीधे को सीधे से मिलाना है तो अंदर से बाहर की तरफ। ये देख सकते हैं, फंदा गिरा देंगे। अभी लास्ट फंदा है हमारा, देखिए इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए, ये लास्ट फंदा था, लेकिन अभी हमने दो इस फंदे में और इस फंदे में एक एक बार ही सुई इंसर्ट की है, तो यहाँ हम सुई इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इसमें हम बाहर से अंदर की तरफ करके जब सुई में गांठ लगाना हो तो ऐसे इस तरह से। ये देखिए एकदम, ये हमारी रॉन्ग साइड है और देखिए राइट साइड से एकदम बढ़िया से उतर गया है फंदा, और एकदम इसकी जो एजिंग है ब्लंट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चेन स्वेटर में आप इस तरह से फंदों को उतारें, चाहे आपको नेक बनाना हो या फिर आपको आर्म होल बनाना हो, ये आप बना सकते हैं। और इस तरह से आप बच्चों के स्वेटर में कॉलर भी बना सकते हैं। तो इसे बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching.